पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले की जांच अब मंत्रियों तक पहुंच गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षा घोटाले के केस में ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनकी करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद ईडी ने पार्थ चटर्जी से 26 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि गिरफ्तारी से पहले पार्थ ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया, लिहाजा अरेस्ट करने के बाद पार्थ को मेडिकल के लिए ले जाया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी ने छापेमारी के बाद अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी के घर पर ईडी की टीम पहुंची, उन्हें हिरासत भी में ले लिया गया, जिसमें यह पता चला कि ईडी की रडार पर और भी लोग शामिल हैं, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भी रेड जारी किया है।